हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज मंडोल, आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज। दोस्तों आज आप लोगों को मैं MH Tech स्पाई बॉडी विथ पॉकेट कैमरा वायरलेस विथ 64GB HD कार्ड के साथ जो आता है इसका आज के रिव्यू और वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये लेना है तो पूरा वीडियो देखिए और फैसला कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, 5,640 रुपये में इसका कीमत था। देखिए इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा। इस तरीके से बैक बॉक्स में आता है, हल्का बॉक्स है, देखते हैं अंदर क्या है। देखिए पहले HD लिखा है, मतलब ये देखिए टेक व्यूज हाई डेफिनेशन। तो ऐसा बॉक्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पर स्कैन है। अगर आपको डेमो देखना है कैसे शुरू करना है तो आप यहाँ पर स्कैन करके डेमो देख सकते हैं। अंदर आपको 64GB का सैंडिस्क का डिस्क, आपको HD कार्ड मिल जाता है, ये देखिए, जो कि अच्छी बात है। आपको बॉक्स में मिल जाएगा इसके साथ ही। और अंदर क्या है देखते हैं, इसके अंदर और क्या मिलेगा आपको। एक कागज़ है, एक नहीं दो तीन कागज लग रहे हैं मुझे। तो देखिए यहाँ पे सारे कुछ डिटेल्स आपको दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको बताऊँगा। आप टेंशन मत लीजिए। देखिए दो पन्ना यहाँ पर भरा हुआ है पूरा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर आपको रहता है आपका, यहाँ पर देखिए जैसे अमेजन की तरफ सब कुछ दिया गया है। कुछ भी जानना है तो आप यहाँ व्हाट्सएप कीजिए, वो आप लोग आपको व्हाट्सएप में पूरा डिटेल्स बता देंगे। यहाँ पे आपको मिलता है USB केबल, माइक्रो USB केबल मिलता है आपको, पुराना वाला टाइप सी नहीं आता इसमें। ये देखिए टाइप सी होता तो अच्छा होता था, अभी टाइप सी हर जगह पर अवेलेबल है। और ये आपका पॉकेट कैमरा, देखिए हेवी है, थोड़ा वजन इसमें है लग रहा है। और यहाँ पे गार्ड दिया गया है प्लास्टिक का कैमरा लेंस में। और ये देखिए ये है आपका पॉकेट कैमरा, बहुत ही शानदार है, लुक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको आप जो 360 राउंड पे घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये और भी बहुत बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे आपको बटन क्या क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, आपको दिखाता हूँ ठीक से। यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ का बटन है, आपके यहाँ से इस तरफ ऑन होगा, ऑन होने के बाद लाइट जलने लगेगा और नीचे ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑन ऑफ का बटन ए वाला है, ठीक नीचे उसका आपको वाईफाई ऑन ऑफ मिल जाता है। आपको ये वाईफाई ऑन रखना है और मोबाइल से वाईफाई ऑन करना है और उसके साथ कनेक्ट करना है। आपको दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करता है। और नीचे रीसेट का बटन दिया गया है, इसको दबा के रखेंगे कुछ टाइम तो जो है रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइक्रो HD कार्ड का जो है स्लॉट, जहाँ पर आप मेमोरी कार्ड डालेंगे वो डालने का जगह है वो। यहाँ पर वीडियो का सेव बटन है, आप इधर दबा के वीडियो बना सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं वापस दबा के। तो चलिए पहले इसको खोल लेता हूँ, 64GB मेमोरी कार्ड को ओपन कर लेता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे, 64GB मेमोरी कार्ड इसके साथ आपको मिल जाता है, खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए आगे तक जो है खुले लिया वापस काट के, और यहाँ पे डालना है आपको। देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है, आपको ठीक ऐसा डालना है इसको, जो से दबा देना है उंगली से, फिर वापस दबाएंगे तो निकल जाएगा। फिर चलिए मैं आपको कैसे सेटिंग करना है आपको बताऊंगा, कनेक्ट कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो स्कैन जो कीवर्ड कोड है ना, आप जो गूगल लेंस होता है ना, गूगल लेंस, ये देखिए यहाँ पे आपको जो गूगल लेंस मिलता है, यहाँ पर आके उसको स्कैन कीजिएगा तो आपके यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। देखिए स्क्रीन का आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है ना, ये सिंपली आप लिंक को क्लिक कीजिए बस, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड, ऊपर वाला लिखा है जिसमें वो आपको क्लिक करना है वापस। ये देखिए तो यहाँ पे डाउनलोड एनी हुए आपको ये वाला प्रेस करना है, डाउनलोड एनी हुए जो लिखा है आपको ये प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो डाउनलोड होता रहेगा, देखिए ऊपर जो है डाउनलोड चालू है, आप देख सकते हो ऊपर, कुछ टाइम लगेगा टाइम डाउनलोड होने में, 1 मिनट तक। तो देखिए डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पर जो है ओपन विथ, आप जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने से पहले आपको परमिशन लगेगा, क्रोम आपको ऑन करना है, क्योंकि ये जो है ना प्ले स्टोर से आपको नहीं मिलता, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको परमिशन ज़रूर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप अलाउ कीजिए, यहाँ पे जो परमिशन मांगता है आप सारे को सारे अलाउ कीजिए एक एक करके। फिर आपको सेटिंग कैसे करना है देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो डिवाइस है वाईफाई को ऑन कर देना है। फिर देखिए ऑन करके आप यहाँ इसको रख दीजिए, बाजू में रख दीजिए, और मोबाइल में जो है आपको वाईफाई को दबा प्रेस कीजिए एक बार, मतलब वाईफाई को ऑन कीजिए, तो यहाँ पे आपको उसका नाम ज़रूर दिखाई देगा।
देखिए यहाँ पे जो MTC जो आया है यही है वो वाला, यहाँ पे आप कनेक्ट करना है। देखिए ये कनेक्टिंग हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला है उसको आप क्लिक कीजिए, फिर ये कनेक्टेड दिखा रहे, कनेक्टेड कनेक्टेड हो गया है। आप बैक कर लीजिए मोबाइल को, फिर जो ऐप्स आपने डाउनलोड किया उसे ऑन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आएगा, आपको दिखाएगा। उसके बाद गौर से देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिकॉन्फिगर पासवर्ड, तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना पसंद का पासवर्ड चूज कीजिए। 4 अक्षर का पासवर्ड रहता है, आपको लेटर और नंबर दोनों ही डालना है। आपका नाम अगर आपका नाम का 2 अक्षर और कुछ अभी और दूसरा कुछ 2 लेटर डाल दीजिए और पासवर्ड सेव कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ऑनलाइन दिखा रहा है, देखिए ऑनलाइन दिखा रहा है, मतलब आप ऑनलाइन है, वाईफाई और उसको ऑन रखेंगे तो ऑनलाइन दिखाएगा। अब इसको स्किप कीजिए, स्किप करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको जो देखिए कैमरा जो है ये एक्टिव हो चुका है, आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी चालू है, देखिए आप फ़ोन को रख दीजिए और एक कैमरा किधर भी घुमाइए वो रिकॉर्ड होता रहेगा। ये देखिए अभी ये तो सिर्फ सिंपल चालू है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो रहा, अभी आपको खुद से रिकॉर्ड करना होगा। ये देखिए और क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी अच्छा है, कलर भी ठीक ठाक आ रहा है। ये देखिए इसको आप 360 घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं कैमरे को, और आप किधर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको पहले दिखाता हूँ उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। ये सही है, जो टाइमिंग है सही है, पूरा परफेक्ट टाइमिंग है, कुछ डिले लेट नहीं है कुछ भी। ये देखिए आप घुमाएंगे, ये जो है चालू है। देखिए फिर देखिए आपको मोबाइल लेना है, यहाँ पर जो वीडियो का आप मार्क देख रहे हैं इसको आप चालू करेंगे, तुरंत वीडियो चालू हो जाएगी। देखिए ऊपर देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए ऊपर जो है टाइमिंग चालू है, और आप कहीं भी मोबाइल अभी कैमरा को लेके जाएंगे तो ये रिकॉर्ड होता रहेगा। आप पहले इसमें देख लीजिए, मैं आपको बाद में पूरा रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा एक, और आपको नाइट मोड करके भी दिखाऊंगा अंधेरे में कैसा ये परफॉर्म करता है, कितना क्लियरिटी है अंधेरे में, कितना क्लीन आता है, आपको भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो पेपर में जो लिखा हुआ है ये भी देख लीजिए, मतलब ठीक ठाक है अभी तक, 5600 का है, पता नहीं कितना अच्छा चलेगा बाद में, अभी तक तो सही लग रहा है। थोड़ा इसका साउंड क्लियरिटी कितना आता है वो भी दिखाऊंगा, कैसे कैप्चर करता है वीडियो पूरा देखना है। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है, आप देखिए अगर आपको लेना है तो आप अच्छे से देखिए, गौर से देखिए वीडियो को। अभी आप जो है ओरिजिनल रिकॉर्डिंग वो देख लीजिए एक बार, ये देखिए ये वाला ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, अभी वीडियो चालू है इसमें, देखिए रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, बहुत बढ़िया नहीं है ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है ऐसा लग रहा है, ज़्यादा हिल रहा है, स्टेबिलिटी उतना बढ़िया नहीं है। देखिए गौर से देखिए आपको समझ में आएगा। ये देखिए देखिए दोस्तों अभी मैं इससे लेकर वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, आप क्वालिटी देखिए, आवाज आवाज कैसे आ रही है आप देखिए, और वीडियो भी देखिए, ये जो ट्यूबलाइट का लाइट है ट्यूबलाइट में, तो ये देखिए जी आप दिखा अपने, अभी यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या मिलता है। जैसे यहाँ पे आप जो माइक है इसको ऑन करेंगे तो जो लाइव वीडियो कोई शूट करेगा तो उसका आवाज़ आपको सुनाई देगा इसमें से। यहाँ से आप फोटो खींच सकते हैं, देखिए फोटो खींचने के बाद जो क्वालिटी है अच्छा है, क्वालिटी उतना बुरा नहीं है। और यहाँ पर जो है आप इसको क्लिक करके लेफ्ट राइट कर सकते हैं, आपको अगर लेफ्ट में दिखना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट से दिखना है तो राइट कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। और ये देखिए अप डाउन है, मतलब अगर जो कैमरा जो शूट कर रहे हैं ना उस उन्होंने अगर कैमरा को उल्टा पकड़ा तो आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे क्लिक करके आप उसे सीधा कर सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये अच्छा दिया गया है सेटिंग, क्योंकि कैमरा का भी कभी उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको 3 क्वालिटी मिलता है, एक जो है 1080, एक 720, एक 640। तो 1080 जो है वही सही रहेगा वीडियो के लिए। और यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं ये नाइट के लिए है, अभी आपको नाइट भी दिखाऊंगा, नाइट कैसे शूट करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है नाइट शूट करने के लिए, मतलब जब अंधेरा रहेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बस ये जो है नाइट मोड ऑन हो जाएगा और वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा। आप सैंपल देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अंधेरा कर दिया और यहाँ पे मैं चालू करते हूँ नाइट मोड, देखिए नाइट मोड मैंने चालू किया, 1 मिनट मोबाइल को थोड़ा दूर रखता हूँ और कैमरा को मोबाइल से थोड़ा दूर लेके जाता ताकि पता चले कैसा आ रहा है रिकॉर्डिंग। पूरा अंधेरे में
ये देखिए, पता नहीं कैसा है, मैं अभी थोड़ा लाइट से दूर हूँ, यहाँ पे पूरा अंधेरा है मेरा रूम पे, आपको दिखाया था, दिखिए वहाँ पे मेरा दोस्त सोया है। तेरा मोबाइल लॉक कर एक मिनट, वो देखिए वो सोया, देखिए लेट क्या है, कैसे आवाज आ रहा है मालूम, कुछ दे रहा है दूर से, मैं देख रहा हूँ। तो ये नाइट है, ये ऊपर पंखा चल रहा है, और यहाँ से मेरा दोस्त जो लेटा है ना 10 फीट होगा, 12 फीट दूर है मेरे से, ये देखिए पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों मतलब देखिए पूरा बीच में दिखाई देगा आपको, साइड में नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में राउंड शेप में आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए मतलब पूरा बीच में आपको दिखाई देगा, गोल हो गया राउंड शेप में, ऐसा लग रहा है मुझे जब मैं वीडियो बना रहा था वैसा हो रहा है, पता नहीं बाद में क्या होगा। तो ये था नाइट मोड, आपने देखा, आप कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको। तो देखा आपने नाइट मोड कैसा था, जो भी है आप कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो आपको सेव करने के बाद फिर देखिए आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको लोकल फाइल मिल जाएगा, लोकल फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो रिकॉर्ड जो रिकॉर्डिंग जो सब रहेगा, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टाग्राम फेसबुक शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में ईमेल कर सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट जो है आपका अगर एडिटिंग ऐप्स रहता है तो डायरेक्ट ऐप्स में भी जा सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करने से आपको जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया वो आपको दिखाई देगा, फिर जो है बैक करेंगे, बैक करके आएंगे डायरेक्ट यहाँ से आप क्लिक करके देखेंगे ये वाला वीडियो, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल डाउनलोड और प्ले का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आना है और वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखिए मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, ये 221 MB का वीडियो है, ये डाउनलोड होने में 2 मिनट तक लगा मुझे, 221 MB का वीडियो है, डाउनलोड होने में 2 मिनट लगा, पता नहीं कितना स्पीड इसमें फास्ट होगा बाद में, तभी फिलहाल 2 मिनट लगा मुझे। लेकिन अगर आप सेव नहीं करेंगे फिर भी मोबाइल का जो गैलरी है ना उसमें शो करता है, वीडियो मैंने देखा शो कर रहा है। दोस्तों इसमें चार्ज करने में इसको 2 घंटा चार्ज करना होगा, और चार्जिंग रहते हुए भी वीडियो चालू रह सकता है, चालू रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो जो शूट टाइम है, शूटिंग टाइमिंग, आप इसे 5 घंटा तक चला सकते हैं आराम से, मुझे ऐसा लगा, मैं आज जितना टाइम यूज किया अभी तक इसमें चार्ज है, तो 5 घंटा तो आप आराम से इसमें शूट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हल्का गर्म होता है जहाँ पे कैमरा है उसके बैक साइड, हल्का गर्म होता है, लगता है यहाँ गर्म है, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे। और दोस्तों आप इसे मोबाइल के बगैर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करेंगे सावधानी, मतलब उसमें SD कार्ड होना चाहिए, और SD कार्ड होने के बाद डालने के बाद आप इसे ऑन कर दीजिएगा। मैं जब फर्स्ट टाइम ऑन किया कैमरा को तो तुरंत जो है कैमरा शुरू हो गया था, मतलब जो जहाँ पे वीडियो का जो बटन है उसको ऑन नहीं करना पड़ा, मैं जब इसको ऑन ऑफ किया, ऑन किया स्विच को बटन को, तो ऑटोमेटिक देखा मैं कि वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, पता नहीं ये प्रॉब्लम है कि क्या है, मतलब यदि यहाँ पे जो वीडियो का जो बटन है वो प्रेस करने के बाद शायद वीडियो शुरू होना चाहिए, लेकिन पहले ही शुरू हो गया, मैं जब उसको ऑन किया उस तुरंत वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, मैं बाद में देखा कि वो रिकॉर्ड हो चुका था वीडियो। फिर मैंने बाद में कोशिश किया जिम में डाल के उसको, उस बटन को दबाया, तब नहीं हुआ, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा था, लेकिन कभी मोबाइल के बगैर रिकॉर्ड हुआ भी और कभी कभी नहीं भी हुआ। तो दोस्तों जितना जानकारी था मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो आपके साथ वापस लूँगा और एक नए वीडियो के साथ, और कुछ सवाल रहा तो कमेंट कर देना, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।